मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस इन द योगा योगा टीचिंग मेथोडोलॉजी. इट इज बिलीव दैट ओनली स्लिम पीपल कैन प्रैक्टिस योगा. ऐसी बात की जाती है कि केवल जो पतले लोग हैं वही योग कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. बट द फैक्ट इज योगा कैन हेल्प अ प्रैक्टिशनर लूज वेट एंड लिव अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल. लेकिन जो योग है ना, वही जो जो भी योग का जो अभ्यास करेगा, जो भी आसनों की प्रैक्टिस करेगा, जो तो उसको जो प्रैक्टिशनर होगा जो अभ्यास करता है उसका जो तो उसको क्या है, वह अपना वेट भी लूज करने में मदद करता है योग, और उसको जो है एक हेल्दी लाइफ भी जीने में मदद करता है. चाहे उसकी जैसी भी, चाहे वो कितना भी मोटा ना क्यों ना हो. बहुत से मोटे लोग जो है अपना कुछ आहार पर नियंत्रण करके, कुछ जो है व्यायाम अभ्यास करके, योगा आसनों का प्राणायाम का अभ्यास करके वो अपने वेट को कम किए हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट पीपुल टू अवेल देयर बेनिफिट. डू नॉट बी डिस्करेज्ड. जो है योग के अभी वर्तमान में लोगों ने योग के कई प्रकार बना दिए हैं. कोई कहता है विन्यास योगा, कोई कहता है हार्ट योगा, कोई कहता है पावर योगा. तो इतने प्रकार के योगा, भिन्न भिन्न प्रकार के योग लोगों ने बना दिया है कि तमाम वेट का लॉस करने के लिए, तमाम कुछ करने के लिए, ध्यान मेडिटेशन योगा, तमाम योगा. लेकिन जो मूल योग है वह अष्टांग योग ही है, योग दर्शन का, जिसमें आसनों की तो जो है बहुत विशेष नहीं वो आया है. कहीं कहीं योग ग्रंथों में जो षटकर्म है उनको भी ज्ञान रूपी विघ्न ही माना गया है, कि ये भी एक साधना के लिए, जो साधना प्रक्रिया है उसके लिए भी एक बाधा है. तो ये मिसकॉन्सेप्शन था. बोले गुरुदेव भगवान की जय ओम.